नमस्कार, टैरो से किस्मत कनेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ नितिशा अग्रवाल और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कुंजल कासलीवाल। कुंजल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, 29 सितंबर से श्राद्ध पक्ष आरंभ हो रहे हैं। बेशक इसके बहुत महत्व हैं और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक क्रिया है। तो आज हम इस बारे में जानेंगे कुंजल जी से कि श्राद्ध पक्ष के क्या महत्व हैं, इसकी क्या आवश्यकता है और इसके क्या क्या नियम हैं। तो कुंजल जी, हमें बताइए कि श्राद्ध पक्ष के क्या क्या नियम हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। नितिशा, तुमने सही कहा कि नेक्स्ट वीक से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। मैं एक छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी श्राद्ध के बारे में। पितरों और पूर्वजों के लिए श्रद्धा से किया जाने वाला कर्म ही श्राद्ध होता है। श्राद्ध से ही श्रद्धा कायम रहती है। श्राद्ध से हम हमारे पितरों और पूर्वजों को शांति और मोक्ष प्रदान कराते हैं। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि अश्विन मास में कृष्ण पक्ष में यमराज सभी पितरों को वहां से छोड़ देते हैं ताकि वे अपने बच्चों से श्राद्ध के जरिए खाना ग्रहण करें और उन्हें आशीर्वाद दें खूब सारा। और जो लोग श्राद्ध नहीं करते, पितृ उन्हें श्राप देकर फिर से पितृलोक चले जाते हैं। श्राद्ध हम पूर्वजों की मृत्यु तिथि के दिन करते हैं ब्राह्मणों को भोजन करवा के। नितिशा, एक ज़रूरी बात तुम्हें मैं बताना चाहूँगी, इंटरेस्टिंग सी, कि पूर्वजों का श्राद्ध सिर्फ पुत्र ही करता है। पुत्र में पू का मतलब होता है नरक और त्र का मतलब होता है त्राण, यानी मुक्त करवाना। तो पुत्र ही पूर्वजों को शांति प्रदान करवाता है। गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में कहा गया है कि हमारे पूर्वज श्राद्ध से खुश होकर आयु, संतान, यश, कीर्ति, मोक्ष, बल, सुख, धन और ढेर सारा आशीर्वाद देके जाते हैं। श्रद्धा से किया हुआ श्राद्ध जो भी करता है उसके कुल में कभी भी कोई दुखी नहीं रहता, क्योंकि श्राद्ध से ही हम हमारे पूर्वजों से और ब्रह्मा, शिव, सूर्य, पांच तत्व, पेड़ पौधे और जानवर सबसे आशीर्वाद लेते हैं एक साथ। ये तो बात हो गई श्राद्ध के महत्व की। तो कुंजल जी, इससे रिलेटेड कुछ नियम भी होते होंगे, तो क्या क्या नियम है वो हमें बताइए। नितिशा, श्राद्ध करने के लिए कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड करना ज़रूरी नहीं है। श्राद्ध एक पर्व है। पर्व का मतलब होता है जोड़ना। जैसे हमारे हाथ में उंगलियां होती हैं, ये जो पर्व होते हैं हमारी उंगलियों को जोड़े रखती हैं, वैसे ही श्राद्ध का मेन इंटेंट यही है कि हम हमारे पूर्वजों से जुड़े रहें एक परिवार की तरह। आपको कुछ नहीं करना है, बच्चों को खाना खिला सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, दान दे, पेड़ पौधों को पानी दे और व्रत रखकर भी आप अपने पूर्वजों को खूब सारा थैंक यू बोल सकते हैं जो भी आपकी लाइफ में अच्छा है उसके लिए। ये तो बात होगी श्राद्ध के महत्व और इससे जुड़े नियम की। अब बात करते हैं राशियों की, क्या कहती हैं राशियां और कैसा रहेगा आपका आने वाला वीक। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। अगर आपका बर्थडे 21st ऑफ मार्च से 19th ऑफ अप्रैल के बीच आता है तो आपकी राशि हुई मेष राशि। देख लेते हैं आपका वीक कैसा रहेगा। इमोशंस की बात करें तो आप अपने पास्ट को याद करेंगे, पास्ट की किसी बात को सोचकर आगे रिस्क न लेने के बारे में सोचेंगे, आप थोड़ा डरेंगे। करियर की और फाइनेंसेस की मैं बात करूं तो कुछ क्रिएटिव करने का सोचेंगे, पढ़ाई पर भी आपका ध्यान ज़्यादा जा सकता है। गाइडेंस में पुल आउट करूं तो थोड़ा इस हफ्ते डिसीजन न ले, क्योंकि आप थोड़े इमोशनल होंगे। प्रैक्टिकल डिसीजंस न ले, इमोशनल होकर ही डिसीजन ले। जो भी आपको दुख है, अगर आपको लगता है वो नहीं जा रहा है, तो जिस भी भगवान में आपकी आस्था है आप उनके मंदिर जाइए और एक बार हाथ जोड़कर आ जाइए। इस हफ्ते आपको प्रैक्टिकली डिसीजन नहीं लेने हैं, इमोशनली कुछ सोचिए, ज़रूर होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। अगर आपका बर्थडे 20th ऑफ अप्रैल से 20th ऑफ मई के बीच आता है तो आपकी राशि हुई वृषभ राशि। आपके वीक कैसा निकलेगा उसकी बात करें तो लव और रिलेशंस को देखें तो पिछली बातों को याद करके आगे का आने वाला कल आप खराब नहीं करने देंगे। रिस्क लेंगे आप, मेरे को ट्रस्ट करें, आप रिस्क लेंगे। करियर, जॉब और फाइनेंसेस को देखें तो बिना वजह परेशान रह सकते हैं, सोचेंगे बहुत ज़्यादा, पर भरोसा रखें चीज़ें इतनी बुरी नहीं हैं आपके लिए फ्यूचर में। गाइडेंस में पुल आउट करूं तो प्लीज़ इस वीक नींद पूरी लें, इस हफ्ते रात को एक ही टाइम पे सोएं। इमोशंस को आपको रास्ते में नहीं आने देना है बिल्कुल भी, प्रैक्टिकल हो जाएं, सारे काम आपके हो जाएंगे। इस हफ्ते आपको प्रैक्टिकल होना है, इमोशनली ज़्यादा काम नहीं करना है और हेल्थ पे भी ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मिथुन राशि के बारे में। अगर आपका बर्थडे 21st ऑफ मई से 20th ऑफ जून के बीच आता है तो आपकी हुई मिथुन राशि।
चलिए कार्ड्स निकालते हैं कि आपका वीक कैसा रहेगा। रिलेशनशिप देखें, इमोशंस देखें, तो बहुत प्यारा वीक होने वाला है। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, लिटरली विश कार्ड आया है आपके लिए, मैं इसीलिए कह रही हूँ। आप नई इच्छाएं भी मैनिफेस्ट करेंगे। करियर, जॉब और फाइनेंसेस की बात करूँ तो आप अपने हाथों में कंट्रोल लेंगे इस हफ्ते। स्टेबिलिटी लेकर आएंगे आप अपने अंदर, पसीना बहाएंगे और खूब जम के मेहनत करेंगे, मैं श्योर होकर कह सकती हूँ। गाइडेंस में पुल आउट करूँ तो अपना एक रूटीन फिक्स कर लें, अपने आप को प्रूफ करें आप इस हफ्ते। आप देखें कि अपने अंदर आपके कितनी हिम्मत है, शरीर को एक्टिव पूरा का पूरा रखना है आपको। राशियों की तो हम बात कर ही रहे हैं, कुंजल जी हमारे कुछ दर्शक हैं हमसे जुड़ गए हैं, तो देखते हैं उनका क्या प्रश्न है। हमारे पहले कॉलर हैं गंधर्व यूपी से, जानते हैं उनका क्या प्रश्न है। हेलो, मेरा नाम है गंधर्व चौहान, मेरा बर्थ प्लेस है खुर्जा यूपी और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 जनवरी 1993। मैं अपने फाइनेंशियल्स को लेके जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए ये वाला साल फाइनेंशियल्स का लेके कैसा रहेगा। गंधर्व जी, आपके फाइनेंसेस की मैं बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि आप बिजनेस के बारे में कुछ नया सोच रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल यानी सक्सेसफुल होने वाला है। आने वाले 4-5 महीने मुझे काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 2024 में एक हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप स्पिरिचुअली भी बहुत ग्रो करेंगे अपने आप को। उम्मीद है गंधर्व जी आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिला होगा। अब हमारे अगले कॉलर है हेमंत जी कोटा से, जानते हैं उनका क्या प्रश्न है। मैम, मेरा नाम हेमंत खत्री, डेट ऑफ बर्थ जन्म दिनांक 22 दिसंबर 1983 है और मैम बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है। पिछले 1-2 साल से आर्थिक हालात बिल्कुल डावाडोल हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्यों हो रहा है। जो भी किया जा रहा है सब ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियाँ कुछ हद तक से शक्तियाँ रोक रही है और हर काम विपरीत हो रहा है, तो मैम प्लीज़ सजेस्ट कीजिए क्या समस्या है। हेमंत जी, आपके कार्ड्स में पुल आउट करूँ आपके बिजनेस प्रॉब्लम से, मैं आपको एक रिलीफ दूंगी। 2024 में मुझे आपके लिए कोई सहारा दिख रहा है, एक अच्छी होप दिख रही है। 2025 में आपके लिए ग्रोथ आएगी आपके बिजनेस में। 2026 में आप जो भी चाह रहे थे अपनी लाइफ में वो आपका हो जाएगा। बात करें बुरे साए की, मुझे सच में कोई बुरा साया नहीं दिख रहा है कार्ड्स में। उसके अलावा मुझे लग रहा है कि आप इमोशनली ही बहुत ज़्यादा बेसहारा फील कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपके लिए इतने प्यारे कार्ड्स आए हैं, आप प्लीज़ इतना टेंशन लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे तो सक्सेस आपकी दिख रही है बिजनेस में। उम्मीद है हेमंत जी आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिला होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आपकी समस्या का समाधान तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ राशियों की भी बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि के बारे में, आपके लिए क्या कुछ मैसेज है। अगर आपका बर्थडे 21 जून से 22 जुलाई के बीच आता है तो आपकी राशि हुई कर्क राशि। लव रिलेशनशिप्स और इमोशंस की बात करें तो इस वीक आप किसी तीसरे इंसान के बारे में सोच सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई तीसरा इंसान आ सकता है। पर मेरी एडवाइस ये है कि आपको डगमगाना नहीं है, क्योंकि ये आपकी गाइडेंस भी है। करियर, जॉब और फाइनेंसेस के लिए ये हफ्ता शानदार साबित हो सकता है आपके लिए, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। आपको कोई तारीफ भी मिल सकती है, कोई रिकग्निशन मिल सकती है, या कुछ नया चालू हो सकता है, प्रमोशन के भी चांसेस हैं। जिस भी चीज़ के लिए आप मेहनत में लगे हुए थे ना, वो आपको हो सकता है हासिल हो जाए इस हफ्ते। गाइडेंस में पुल आउट करूँ तो आपको इस वीक अपने आप को चार्ज कर लेना है, क्योंकि आपके आसपास जो कॉम्पिटिशन है ना, उससे आपको लड़ना है, दूसरों को नीचे बिठाना है, क्योंकि लोगों को ना अच्छा नहीं लगता आपको ऊपर उठता हुआ देखते हुए। भीड़ से अलग हटकर काम करें। इस हफ्ते आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है और प्रमोशन भी मिल सकता है, लेकिन आपको एक्टिव भी रहना है। अब बात करते हैं सिंह राशि के बारे में, क्या कहता है आपका आने वाला वीक। अगर आपका बर्थडे 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच आता है तो आपकी राशि हुई सिंह राशि। लव रिलेशनशिप और इमोशंस की बात करें कि ये वीक आपका कैसा रहेगा, तो थोड़ा स्ट्रगल है, या तो पार्टनर से थोड़ी अनबन हो सकती है, या फिर पार्टनर को लेकर घर वालों से। करियर, जॉब और फाइनेंसेस की मैं बात करूं तो मुझे बहुत अच्छे चांसेस दिख रहे हैं कि आपके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है, आपकी जो स्किल्स है, आपको उसे दूसरों को दिखाने का मौका मिलेगा और तारीफ भी मिलेगी। गाइडेंस में पुल आउट करूं तो ये है कि सुबह जल्दी उठना आप शुरू कर दें, एनर्जी लेकर आए अपने अंदर, आलस बिल्कुल नहीं करना है आपको इस वीक। इस हफ्ते आपको अपने अंदर एनर्जी लेके आनी है, एक्टिव रहना है, वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कन्या राशि के बारे में क्या कुछ है।
अगर आपका बर्थडे 23rd ऑफ अगस्त से 22nd ऑफ सितंबर के बीच आता है तो आपकी हुई कन्या राशि। लव रिलेशन और इमोशंस की बात करें तो बहुत प्यारी एनर्जी है। फैमिली के साथ आपको अपना सपोर्ट मिलेगा, पार्टनर का आपको साथ मिलेगा, इन शॉर्ट आप खुश तो रहेंगे। करियर फाइनेंसेस की मैं बात करूं तो आपकी दशा बदल रही है। आपके लिए आया है कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का, दैट मींस आपका टाइम चेंज हो रहा है, अच्छा टाइम आ रहा है और आपको उसका पूरा पूरा फायदा उठाना है। गाइडेंस मैं आपको ये दूं कि थोड़ी सीरियसनेस लेकर आए अपनी पर्सनैलिटी के अंदर। अपने फ्यूचर के बारे में आपको बहुत सोचना चाहिए, स्पेशली पैसों के लिए भी। स्लो एंड स्टडी अप्रोच रखें और कोई ऐसी बुक पढ़ें जिससे आपको कुछ और सीखने को मिले। आज हम बात कर रहे हैं श्राद्ध के महत्व और उससे जुड़े नियम के, साथ ही साथ राशियों की भी बात कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली 6 राशियों के बारे में। बात करते हैं तुला राशि के बारे में, आपके लिए क्या कुछ मैसेज है। अगर आपका बर्थडे 23rd ऑफ सितंबर से 22nd ऑफ अक्टूबर के बीच आता है तो आपकी राशि हुई तुला राशि। लव रिलेशंस और इमोशंस को देखें कि इस हफ्ते कैसे रहेंगे, तो हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप अकेले में ज़्यादा खुश रहेंगे, अपने लिए कुछ अच्छा करेंगे। हो सकता है खुद के लिए शॉपिंग करके आएँ या खुद पर अच्छा खर्चा करें। करियर जॉब और फाइनेंसेस को देखें तो थोड़े परेशान रह सकते हैं, कुछ ऐसा पता चल जाएगा कि जिससे आप परेशान हो जाएंगे। पर गाइडेंस ये है कि बातों को न तो आप घुमाएं, न ही लोगों को बातें घुमाने दें। पास्ट पास्ट है, उसको आज में नहीं लेकर आना है आपको, हार्डवर्क करना है आपको। इस हफ्ते आप खुद के लिए टाइम निकालेंगे और खुद के बारे में सोचेंगे और हार्डवर्क तो आपको करना ही करना है। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं वृश्चिक राशि के बारे में, आपके लिए क्या कुछ मैसेज है। अगर आपका बर्थडे 23rd ऑफ अक्टूबर से 21st ऑफ नवंबर के बीच आता है तो आपकी हुई वृश्चिक राशि। इस वीक आपके लव रिलेशन और इमोशंस की बात करें तो थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, पर ये स्ट्रगल छोटा सा ही होगा, एक फेज की तरह, इसलिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं लेनी चाहिए। करियर जॉब और फाइनेंसेस की मैं बात करूं तो आपको कुछ हिडन पता चलेगा, आप अपने आप को लेके छुपे हुए रहेंगे, सीक्रेटिव रहेंगे। अकेले में काम करने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा इस हफ्ते। गाइडेंस मैं आपके लिए पुल आउट करूं तो आप ट्रैवल करेंगे, घूम कर आएंगे। करियर में आप नया ऑप्शन भी सर्च करें तो बहुत अच्छा है। दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करिए कि आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ नया सोचे सीरियस होके। इस हफ्ते आप ट्रैवल भी कर सकते हैं और कुछ आपके दिमाग में कुछ ऑप्शंस हो तो उसके बारे में भी सोच सकते हैं, मे बी शायद पॉसिबल हो जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि के बारे में। अगर आपका बर्थडे 22nd ऑफ नवंबर से 21st ऑफ दिसंबर के बीच आता है तो आपकी राशि हुई धनु राशि। लव रिलेशन और इमोशंस का एंगल देखें इस वीक की कैसा रहेगा, तो आपको कोई ना कोई नया पसंद आ सकता है या कुछ आपको नया भी मिल सकता है या नई बिगनिंग हो जाएगी। इमोशनली आप एक्टिव भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे, जो भी होगा इस हफ्ते आप इमोशनली सैटिस्फाइड रहेंगे। करियर जॉब और फाइनेंसेस की मैं बात करूं तो आप पार्टनरशिप में आ सकते हैं या किसी की हेल्प को लेके अप्रोच कर सकते हैं। आपके मन में करियर और पैसों को लेके दो चॉइसेस चलेगी। गाइडेंस मैं आपके लिए पुल आउट करूं तो आपका लक आपके सपोर्ट में आया है और आपको इसका इस्तेमाल पूरा करना है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और करियर को आपको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ नए आइडियाज़ ले आने चाहिए अपने लाइफ में। ये तो बात होगी तुला, वृश्चिक और धनु के बारे में, लेकिन हमारे कुछ दर्शक हैं वो हमसे जुड़ गए हैं। जो हमारे अगले कॉलर हैं वो है अर्जुन जी बीकानेर से, जानते हैं उनका क्या प्रश्न है। मैम अभी कुछ समय से मानसिक समस्याएं चल रही है जिससे मन बहुत अशांत रहता है और साथ ही मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, कब तक गवर्नमेंट जॉब लगने के चांस है। अर्जुन जी मैं आपके क्वेश्चन के लिए कार्ड्स पुल आउट करूं तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। आई नो आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, कंपटीशन के एग्जाम्स दे रहे हैं, पर मुझे 3-4 महीने आने वाले थोड़े और स्ट्रगल के दिख रहे हैं। बट मैं आपको कहूंगी कि आपकी दशा बदल रही है, आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, आपके फेवर में चीज़ें आएंगी 2024 में और 2025 भी मुझे काफ़ी फेवरेबल लग रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो मैं ये कंक्लूड करूंगी कि 2024 और मैक्सिमम 2025 आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की है। अब अगले कॉलर हमारे हैं कृष्ण जी अलवर से, जानते हैं उनका क्या प्रश्न है। नमस्ते जी, मेरा नाम कृष्ण कुमार मीणा है, मैं अलवर से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान भी अलवर ही है, मेरी जन्म दिनांक 6 जनवरी 1993 है और मेरा सवाल है कि क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। कृष्ण जी मैं आपके लिए कार्ड्स पुल आउट कर लेती हूँ। ओके,
कृष्ण जी, एक बात मैं बहुत कॉन्फिडेंट होके कह सकती हूँ कि आपको आने वाले कुछ ही महीनों में मुझसे रिकनेक्ट होना पड़ेगा, क्वेश्चन के लिए नहीं बट गुड न्यूज़ देने के लिए, क्योंकि आपका टाइम मुझे अभी से ही अच्छा दिख रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए। इनफैक्ट अक्टूबर से लेके 2024 लास्ट है कि मैं होप कर रही हूँ आपकी गवर्नमेंट जॉब डेफिनेटली लग जाएगी। आपकी समस्या का समाधान तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ राशियों की भी बात कर लेते हैं। अब बात करेंगे हम मकर राशि के बारे में, कैसा रहेगा आपका आने वाला वीक ये हम जानते हैं। अगर आपका बर्थडे 22 दिसंबर से 19th ऑफ जनवरी के बीच आता है तो आपकी राशि हुई मकर राशि। इस वीक देखते हैं आपके इमोशंस कैसे रहेंगे। ट्रैवल काफ़ी पॉसिबल है आपके पार्टनर के साथ, अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे आप इमोशनली। फाइनेंसेस के लिए मैं कार्ड पुल आउट करूं तो एक चीज़ आपको मैं ज़रूर बोलूंगी कि आपको ऐसा फील होगा कि मेरी किस्मत मेरा साथ क्यों नहीं दे रही है, पर ऐसा नहीं है। आप सोच ज़्यादा रहे हैं और इस हफ्ते सोचेंगे भी ज़्यादा, क्योंकि चीज़ें मुझे नहीं दिख रही है बुरी आपके लिए। गाइडेंस में बहुत अच्छी पुल आउट कर रही हूँ आपके लिए। कमर का ध्यान रखना है आपको इस हफ्ते, आपको नींद पूरी लेनी है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप स्ट्रेस इतना ले रहे हैं कि आपकी बैक में इश्यूज़ नहीं हो जाए। डबल इनकम या दो जगह से पैसे कमाने के बारे में आप प्लीज़ ज़रूर सोचें, आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। इस हफ्ते आपको अपनी हेल्थ का विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब अगली राशि है हमारी कुंभ राशि, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। अगर आपका बर्थडे 20th of January से 18th of February के बीच आता है तो आपकी राशि हुई कुंभ राशि। लव रिलेशन और इमोशंस की बात करें तो आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। हो सकता है पुरानी बातें हो या कोई इंसान हो, पर आपको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। आप नहीं छोड़ेंगे तो आप पूरे हफ्ते परेशान ही रहेंगे, इसलिए कुछ चीज़ों को छोड़ देना इस हफ्ते के लिए बहुत अच्छा होगा। करियर जॉब और फाइनेंसेस की मैं बात करूं तो आपको लगेगा कि आपका पेशेंस बहुत टेस्ट हो रहा है, आप बहुत प्रेशर में हैं। गाइडेंस में ये दूंगी कि शनिदेव को याद करें इस हफ्ते और उनके नाम का एक सरसों का दिया ज़रूर जलाएं, और जो भी काम आप कर रहे हैं उसे प्लीज़ आपको पूरा ही करना है, बीच में आधा काम नहीं करें। इस हफ्ते आपको पेशेंस रखना है, जो आप सोचें वो ज़रूर करें। अब बात आती है अंतिम राशि मीन राशि की, जानते हैं क्या कुछ मैसेज है। अगर आपका बर्थडे 19th of February से 20th of March के बीच आता है तो आपकी राशि हुई मीन राशि। लव रिलेशन और इमोशंस को देखें तो आपको कुछ सीक्रेट्स पता चल सकते हैं, जिससे आपको लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी जो आप सीक आउट कर रहे थे। जो भी सीक्रेट्स हैं लंबे समय से जानना चाह रहे थे, हाई पॉसिबिलिटीज है इस हफ्ते क्लियर हो जाए। करियर जॉब और फाइनेंसेस को मैं देखूं तो फैमिली से काफ़ी सपोर्ट आएगा आपको, आप खुश महसूस करेंगे अपने साथ, लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग भी ना मुझे बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है। गाइडेंस में आपके लिए कुछ अच्छी पुल आउट करूं तो आप अपनी लाइफ में नए आइडियाज़ लेकर आएँ, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करें, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा। पर ये हफ्ता इम्पॉर्टेंट डिसीजंस के लिए अच्छा है, कम्युनिकेट क्लियरली करें बस। इस हफ्ते आपको अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाना है और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी ध्यान देना है। ये तो बात हो गई राशियों की, लेकिन अब बात करते हैं ग्रहों की। अब आप सोचते होंगे कि हमारे लिए कौन से ग्रह अच्छे हैं और कौन से ग्रह बुरे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कोई भी ग्रह बुरा और अच्छा नहीं होता है। तो इसी बारे में हम कुंजल जी से जानेंगे कि अगर हम मंगल ग्रह के बारे में बात करें तो मंगल ग्रह को कैसे बैलेंस करें, कैसे क्या उपाय हैं वो हमें बताइए। अगर आप लाइफ में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, अपना स्टैंड नहीं ले पाते हैं, अपने मन की बातों को मन में रख कर ही घुटते रहते हैं, पर फिर भी गुस्सा बहुत आता है, या लाइफ में रिस्क लेने से डरते हैं, आपके लोन्स और कर्जों से पीछा ही नहीं छूट रहा है, रसोई हमेशा फैली हुई ही रहती है, या आपको सर्वाइकल या कमर की दिक्कतें होती ही रहती हैं, तो नितिशा इसका मतलब है कि आपको अपना मार्स बैलेंस करना है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको एक सिंपल सी रेमेडीज जिनसे आप अपना मार्स इजीली बैलेंस कर लेंगे अपनी लाइफ में। पहला, अपने भाइयों को अपने साथ में रख के चले, उनसे अच्छे रिलेशंस बनाए, उनसे लड़ाई या मन मुटाव न रखें अपनी लाइफ में। सेकेंड, जिम जाएं, क्योंकि मंगल को चाहिए होता है मेटल, मंगल मेटल का कारक होता है जैसे लोहा, और जिम में आपको लोहे से एक्सरसाइज करने का बहुत मौके मिलते हैं। अगर आपको जिम जाना नहीं जम रहा है या आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस हैं कि आप जिम नहीं जा रहे हैं, तो आप योगा भी कर सकते हैं, प्राणायाम भी कर सकते हैं।
और अगर ये भी पॉसिबल नहीं हो रहा है कि आपका शेड्यूल अलग है, आपके ऑफिस के टाइमिंग्स अलग हैं, तो एटलीस्ट आप खुद का काम खुद करने की आदत डाल लें। जैसे खुद के पानी का ग्लास आपने खुद ने भर लिया, खाना आप अपना खुद लगा रहे हैं। कहने का मतलब है कि शरीर को लंबे समय तक एक जगह नहीं रखना है, क्योंकि मंगल को कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए होती है बॉडी की, और ये रेमेडी आपकी फिटनेस के लिए भी अच्छी है। क्योंकि आजकल हम सोशल मीडिया पे इतने मग्न हो जाते हैं रील्स देखने में कि पता ही नहीं चलता कि एक घंटा कब निकल गया। तीसरा, रसोई को हमेशा साफ रखें, ऑर्गेनाइज्ड रखें। साफ सफाई पर आपको बहुत ध्यान देना चाहिए रसोई की, क्योंकि सड़ी हुई चीज़ें अगर पड़ी हुई हैं, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स अगर पड़े हैं आपकी रसोई में, तो आपका मंगल डिसबैलेंस हो जाएगा अपने आप ही। फोर्थ, जानवरों को, पक्षियों को प्लीज़ नुकसान न पहुंचाएं। नॉनवेज भी अगर आप खाते हैं तो उसको बंद कर दें तो बहुत अच्छा है। कई लोग सिर्फ मंगलवार को ही परहेज़ करते हैं कि नहीं, हम अल्कोहल नहीं लेते, नॉनवेज नहीं खाते, पर प्लीज़ ये मत भूलिए कि भगवान के लिए हर दिन एक बराबर ही होता है। फिफ्थ, ब्लड डोनेट करना भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है मार्स को, अगर आपको बैलेंस करना है तो। पर अगर आपकी हेल्थ और फिटनेस इसमें आपका साथ नहीं दे रही है, तो एट लीस्ट ब्लड डोनेशन कैंप्स में वॉलंटियर करें, कुछ भी तरीके से अपना सहयोग दें ब्लड डोनेशन कैंप्स में। सिक्स्थ, देसी घी और गुड़ से बने हुए खाने को आप दान कर सकते हैं भूखे लोगों में। देसी घी को मंगल से जोड़ा जाता है, यही कारण है कि जो पहलवान लोग होते हैं वो मिट्टी में भी घी मिलाते हैं, घी का सेवन करते हैं वो, क्योंकि घी से एनर्जी आती है शरीर में और मंगल भी एनर्जी का कारक होता है। सेवेंथ और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ईजी, राम नाम का जप करते रहें और अपने सारी परेशानियों को बालाजी पे छोड़ दें, आपका मंगल अपने आप बैलेंस हो जाएगा। अगर आपका मार्स यानी कि मंगल ग्रह अच्छा है तो जो आप सोचेंगे वो आप कर पाएंगे। तो कुंजल जी, आपका इस स्टूडियो में आने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं अपनी समस्या का समाधान या चाहते हैं कि कैसा रहेगा आपका आने वाला वीक, तो नीचे दिए हुए नंबर पे हमें आप व्हाट्सएप कॉल या फिर कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज। अब मैं लेती हूँ विदा और आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।